बहुत ही ज़्यादा चटपटी मिक्स भेज अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आप सबके साथ। तो उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्वाद एंड ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम है और इसमें बहुत तरह की सब्जियाँ मिलती हैं मार्केट में, और जी करता है कि इसका अचार बनाऊँ उसका अचार बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो सबकी मिक्स एक अचार बनाती हूँ, और इसमें मैंने यूज किया है गाजर, फूलगोभी, मूली, हरी मिर्च, अदरक, तो ये सब मिला करके अचार बनाया है मैंने। तो चलिए बनाते हैं अचार मिक्स वेज पिकल्स। तो इसके लिए मैंने 3 गाजर लिया है, और मैं ये हाफ से भी थोड़ा कम ही है ये फूलगोभी लिया है मैंने, 1 मूली लिया है, और मैं कुछ लहसुन ये छील करके रखी हुई हूँ, अदरक भी छीलूँगी। तो इन सबको मैं छील ले रही हूँ पहले अच्छे से, और ये अदरक को भी मैं ऊपर से चाकू से मतलब केवल इस तरह से छील ले रही हूँ। तो इन सबको अच्छे से पहले छील करके और हम इसे धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो और रेसिपी पूरी देखिएगा, और देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तब लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर संभव हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, बट आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ आप सब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो ये सब मैंने छील लिया है अच्छे से, और छील करके ये मैं इन सबको धो लूँगी अच्छे से पहले, और धोने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो अचार के लिए आप इस तरह से लंबे लंबे पहले इसके साइड के हम निकाल लेंगे, और इन सबको ना मतलब ये छोटे छोटे पहले कट करके लंबाई में कट करते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। तो अगर ये पतला गाजर है तो इसमें ना केवल 20 से 1 कट लगाएंगे, और अगर थोड़ा जो अगर मोटा है गाजर तो 20 से मतलब 2 या 3 कट लगा देंगे, ताकि ये पतले पतले इसकी स्लाइसेस निकले। तो इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ सारे गाजरों को, और इस तरह से मैं मूली को भी कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे ना और भी 2 अचार की रेसिपी है शेयर किया है पहले ही मैंने, हरी मिर्च की और मूली का अचार, ज़रूर से आप चेकआउट कीजिएगा। मूली का अचार बहुत ही मतलब केवल मूली का अचार मैंने डाला है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में, तो आप ज़रूर से देखिएगा, चेक कीजिएगा। तो मार्केट में तो अचार बहुत तरह के कई तरह के मिलते हैं, बट बहुत ही कॉस्टली होता है दाम, मतलब बहुत ज़्यादा होता है अचार का जो भी आप मार्केट से लाएंगे, और उसमें क्या कौन सा तेल कौन से मसालों का यूज हुआ है ये भी हमें पता नहीं होता है। तो क्यों ना हम घर पे ही बना लें अचार, और अचार बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो क्यों ना हम घर पर ही अचार बनाएँ। तो इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ सारे सब्जियों को ये पतले पतले स्लाइसेस में, और ये मैं लहसुन भी थोड़ा सा रखी हूँ छील करके, और ये हरी मिर्च भी मैंने ना धो करके पोस लिया था और उसे भी कट कर ली हूँ। तो इन सबको ना पहले धूप में रखना होगा 1 घंटे के लिए। तो मैं ये अपने आंगन मेरा है मतलब घर में ही, तो इसमें आंगन में मैं थोड़ा सा धूप आता है, तो इसी पर मैं चटाई बिछा करके मैट और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाई हूँ, और इन सब इसी पे मतलब फैला दे रही हूँ धूप में। 1 घंटे के लिए मैं धूप में रखूँगी। अगर धूप नहीं हो तो आप इसे पंखे के नीचे फैन के नीचे रख सकते हैं 1 घंटे के लिए, ताकि इस सब जो सब्जियों का जो पानी है ना वो अच्छे से सूख जाए, मॉइस्चर इसमें रहता है। तो जब मैं मतलब हम लोग अचार बनाएंगे तो क्या होगा कि अचार जो है जल्दी ख़राब हो जाएगी, उसमें फफूंदी आ जाएगी, तो बहुत दिन तक आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए धोने के बाद ना पानी इसका जो सूखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए धूप में रखा है मैंने। तो उसे 1 घंटे के लिए धूप में रख दिया, तब तक से मसाला हम तैयार कर लेते हैं इधर अचार में डालने के लिए। तो ये मैंने लिया है पहले धनिया लिया मैंने 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच मैंने सरसों लिया है राई, और 1 चम्मच जीरा लिया है, और 1 चम्मच सौंफ, और 1/2 टीस्पून आधा चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना लिया है। तो यही मतलब मात्रा रखिएगा, मेथी दाना कम रखिएगा, और सबसे ज़्यादा धनिया की मात्रा रहती है इसमें, और सौंफ ज़रूर डालिएगा, और सरसों
और इन सबको ना इस तरह से हल्का रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए और ये इसकी मॉइस्चर चली जाए। तो ये हल्का सा रोस्ट किया मैंने और अब हम इन सबको ना ग्राइंडर में पीस लेंगे डाल करके। ग्राइंडर में या सिलवट्टे पे पीस सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मैं पीस ली हूँ देखिए इस तरह से। और आप चाहे तो इस मसाले के अंदर लाल सूखा मिर्च भी डाल करके पीस सकते थे, बट मैं पाउडर डालूँगी लाल मिर्च का। और ये तेल मैंने गरम करने के लिए रखा है और इसमें देखिए धुआं उठ गया है। ये सरसों का तेल है, एक कप के करीब है। तो इसको ना गरम पहले करके और ठंडा कर लेंगे। तो ये हमने एक घंटा हो गया था ये धूप में रखे हुए। और ये देखिए ये मतलब इस सबका ना मॉइस्चर चला गया, सूख गया है इसका पानी, अदरक गोभी मूली और गाजर का। और ये मैं ना धूप में इसको भी रख दी थी थोड़ा कि ताकि ये भी अच्छे से हल्का इसका जो पानी वगैरह हो तो निकल जाए। तो इन सबको अब ले चलते हैं किचन में और बनाते हैं अचार को। तो ये मैं लेकर के आ गई हूँ किचन में। और इन सबको ना ये जो मैं तेल गरम की हूँ ना उसको ना मतलब हल्का हल्का जब गरम रहे तब इसको यूज करेंगे, ज़्यादा गरम नहीं, गरम में नहीं डालना है। ये तेल ठंडा हो गया है मेरा तो अब हम इसमें डाल रहे हैं। तो हल्का गरम रहना चाहिए इसे। तो ये मैं फिर से गैस ऑन की हूँ और इसके थोड़ा देर ना मतलब हम लोग गैस पे इसको डाल करके सारी सब्जियों को, ये मिर्चा लहसुन और सारी सब्जियों को डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो मसाला पीस के रखा है हमने ना इसे भी हम डाल देंगे, सारे मसालों को डालेंगे। अब मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच और नमक इसमें स्वाद के अनुसार आप डालिए। तो ये मैं 3 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा अचार में दोस्तों, तो अचार ख़राब नहीं होता है और ज़्यादा मतलब टेस्टी भी लगता है। नमक थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। और ये ना सूखा लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ, तो जितना आप तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं थोड़ा तीखा कम ही बनाती हूँ तो ये मैं डाली हूँ 1 चम्मच भर करके। ये जो है अजवाइन है तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है अचार का। और इन सबको ना हम थोड़ी देर के लिए गैस पे बस इसे मैं ऑन की हूँ, इसे अलटते पलटते हुए हल्का मतलब 1 से 2 मिनट इसे केवल हम इस पर कुक करेंगे और फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अब ना इसमें नींबू डालेंगे हम, तो ये मैं 1 नींबू डाल रही हूँ इसमें और डालूँगी। और ना इसमें मैं प्रिजर्वेटिव के लिए ना इसमें विनीगर सिरका जो है डालेंगे, और सिरके से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर से डालिएगा। तो ये मैं 2 चम्मच के करीब ना सिरका इसमें डाल रही हूँ, आप ज़रूर इसे डालिएगा। और ये इसका डालने से ना मतलब ये अचार बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। और ये नींबू मैं डाल रही हूँ तो नींबू भी ज़रूर डालिएगा, नींबू से टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मैं 1 नींबू बड़ा ये नींबू है तो 1 मैं डाल रही हूँ, अगर नींबू छोटा हो तो 2 या 3 नींबू ज़रूर से यूज कीजिएगा। और आप चाहे तो नींबू की जगह इसमें ना आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं खट्टेपन के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। या फिर आप नींबू डालें। इन सबको हम मिला लेंगे और मैं गैस बंद कर दी हूँ। अब 2 से 3 मिनट ही इसे केवल भूनेंगे। और ये देखिए जब ठंडा हो जाएगा ना तो इस तरह से ना इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है और थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये थिक भी हो जाता है इसका जो सरसों का तेल है, मसाला ग्रेवी सब। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसके कलर आया है अचार का। तो अब हम इसे ना कांच के जार में कंटेनर में रख लेंगे। और ये इंस्टेंट अचार है मतलब पिकल्स, आप बनाकर तुरंत खा सकते हैं, बट इसे ना आप अगर 2 या 3 दिन धूप में अगर रख देते हैं तो और भी ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट लगेगी खाने में। तो आप ज़रूर इसे धूप में 1-2 दिन रखिए और इससे ना ये मतलब बहुत ज़्यादा दिन तक ये स्टे करेगा, अचार ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए आप 1 से 2 दिन धूप में ज़रूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए लास्ट में चलते चलते एक सॉन्ग हो जाए। चलते चलते मेरे ये गीत
याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। तो कभी अलविदा ना कहते हुए मिलते हैं कुछ नए रेसिपी के साथ में नए वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।